नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता होगा, लेवल टू की परीक्षा रद्द कर दी गई है, लेकिन लेवल फर्स्ट को यथावत रखा गया है, यानी कि उसकी जो प्रोसेस है वो आगे भी जारी रहेगी। तो ऐसे में दोस्तों, रीट शिक्षक भर्ती की लेवल फर्स्ट के रिजल्ट के बारे में, जो 2x गुना कट ऑफ निकलेगी दोस्तों, वो क्या रहेगी और 2x गुना कट ऑफ में कितने छात्रों को शामिल किया जाएगा। 20 फरवरी तक आपकी लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी दोस्तों। इसके बाद आपकी एक और फाइनल लिस्ट आएगी दोस्तों। क्या पूरी जानकारी लेवल फर्स्ट को लेकर, क्या लेवल फर्स्ट की परीक्षा भी रद्द हो सकती है, क्योंकि ऐसी दोस्तों लगातार अब मांगें उठ रही है कि लेवल फर्स्ट का भी पेपर कई जगह खुला आ जाता है। ऐसे में लेवल फर्स्ट को भी रद्द करना चाहिए, क्योंकि अगली जो भर्ती आएगी 46,000 पदों पर, उसमें मात्र 15,000 जगह ही लेवल फर्स्ट की रहेंगी दोस्तों, और बाकी की जो जगह रहेंगी दोस्तों वो आपकी 31,000 जगह लेवल सेकंड की रही, क्योंकि 16,500 जगह तो दोस्तों पुरानी भर्ती की हो जाएगी और आपकी नई भर्ती की हो जाएगी 15,000 जगह। इस प्रकार से लगभग 31,000 जगह दोस्तों रहने वाली है लेवल सेकंड की, और मात्र 15,000 जगह ही रहेंगी। ऐसे में कट ऑफ फिर दोबारा से आई जाएगी। इस बार क्या कट ऑफ रहेगी दोस्तों, क्या है पूरी अपडेट लेवल फर्स्ट का रिजल्ट को लेकर, पूरी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। आज काउंसलिंग का लास्ट डे है दोस्तों, इसके बाद आपकी काउंसलिंग भी बंद हो जाएगी। कितने लोगों ने काउंसलिंग कराई है पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब किया था आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलो अब आपको रीट शिक्षक भर्ती की पल पल की अपडेट है वो देखने को मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज काउंसलिंग का लास्ट डे है, और लेवल फर्स्ट के आंकड़ों को हम यहाँ पर गौर से देखते हैं दोस्तों। तो टोटल आपकी लेवल फर्स्ट की 15,500 पदों के लिए ये भर्ती है वो पूरी होगी दोस्तों। हालांकि इसको भी दोस्तों कोर्ट में लटकाया जा सकता है या फिर रद्द भी किया जा सकता है, लेकिन सीएम अशोक गहलोत ने मना किया है। 26 सितंबर 2021 को परीक्षा हुई थी, कुल अभ्यर्थी कितने थे दोस्तों, तो इसमें आपके 12,67,985 स्टूडेंट ने लेवल फर्स्ट की एग्जाम दी थी। परीक्षा में बैठने वाले स्टूडेंट 10,19,764 थे। इनमें से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 90 से ऊपर नंबर आए थे दोस्तों, वो 3,30,604 स्टूडेंट थे। और अब तक काउंसलिंग कितने स्टूडेंट ने कराई है दोस्तों, 15,500 के लिए 1,00,000 स्टूडेंट ने। आज लास्ट डे है दोस्तों, तो आज हो सकता है 20 से 30,000 स्टूडेंट और काउंसलिंग कराए, तो लगभग 1,50,000 स्टूडेंट ही ने काउंसलिंग कराई है। तो अब 1,50,000 के आधार पर ही दोस्तों आपकी जो कट ऑफ बनेगी, यानी कि 1,50,000 में से आपके स्टूडेंट को चुना जाएगा, 15,500 के दोगुना स्टूडेंट, यानी कि लगभग आपके जो स्टूडेंट रहेंगे दोस्तों वो 31,000 छात्रों को 2S को नाम में शामिल किया जाएगा। लिस्ट इसी महीने आपको 20 से 25 फरवरी तक देखने को मिल जाएगी। वहीं सीएम ने अपने अपनों को बचाने के लिए लेवल टू की रद्द की है, दोनों लेवल रद्द हो बेनीवाल। जी हाँ दोस्तों, लेवल फर्स्ट को रद्द करने की मांग भी अब तेजी से यहाँ पर होने लगी है दोस्तों, लेकिन लेवल फर्स्ट को अभी निरस्त नहीं किया जाएगा, सिर्फ लेवल सेकंड को ही दोस्तों लीक माना गया है। हालांकि लेवल फर्स्ट का भी पेपर कई जगह पर खुला आया था, और इसकी जो सुनवाई थी दोस्तों कोर्ट में वो अब 28 तक टल चुकी है। 28 के बाद कोई निर्णय आएगा दोस्तों। MS सिंघवी ने जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल के समक्ष कहा है कि रीट भर्ती के लेवल 2 के लिए परीक्षा को रद्द कर दिया है, ऐसे में याचिकाएं सारणी हो गई हैं, इसलिए याचिकाओं को खारिज किया जाए। जिसके जवाब में याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता आरब सैनी व दिनेश गर्ग ने कहा कि मामले में रीट 21 को ही रद्द करने और मामले की CBI जाँच कराने का आग्रह किया गया है, इसलिए मामले में CBI जांच नहीं होने तक भी नियुक्ति नहीं दी जानी चाहिए, यानी कि नियुक्ति पर रोक लगाने की यहाँ पर दोस्तों कहा गया है कि नियुक्ति नहीं हो। अब मैं आपको बताऊं दोस्तों कि नई जो रीट है 40,000 पदों के लिए, वो आपकी 2022 के जुलाई महीने में कराई जाएगी दोस्तों। ये दे सकते हैं भर्ती के लिए अलग से परीक्षा का आयोजन कब होगा, तो मैं आपको बता दूँ आपकी एग्जाम डेट की घोषणा 15 मार्च तक हो जाएगी, और इसके लिए एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी की रिपोर्ट बनाई जाएगी दोस्तों। उसके बाद आपकी आगे का जो अपडेट रहेगा, अभ्यर्थियों को द्वारा फीस नहीं देनी होगी। जी हाँ दोस्तों, जिन स्टूडेंट ने पहले आवेदन किया था उनको द्वारा से फीस नहीं देनी होगी, ये कहीं ना कहीं अच्छा यहाँ पर दोस्तों जो है निर्णय सरकार का देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अब 31,000 के आसपास पदों के लिए आपकी जल्द ही काउंसलिंग चालू होने वाली है दोस्तों। काउंसलिंग आपकी आज समाप्त हो जाएगी, इसके बाद आपकी कट ऑफ लगभग 130 तक टच कर सकती है जनरल कैटेगरी में, वरना दोस्तों आपकी 130 से कम रहेगी, क्योंकि 1,50,000 स्टूडेंट ने ही काउंसलिंग कराई है। तो आपकी जो कट ऑफ की बात करूं तो 118 ST कैटेगरी से लेकर जनरल कैटेगरी में 130 तक आपको कट ऑफ है वो देखने को मिल सकती है, 128-130 तक ये आपकी कट ऑफ रहेगी। तो दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, चैनल पर आपको राजस्थान रीट शिक्षा भर्ती की पल पल की अपडेट मिलती रहती है। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।